इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के महामुकाबले से पहले टीम इंडिया से बाहर हुए तीन बड़े मैच विनर खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, कौन से हैं वो तीन बड़े खिलाड़ी जो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले से ठीक पहले हुए हैं टीम के प्लेइंग 11 से बाहर, बताएंगे आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन अगर आप भी हो टीम इंडिया के फैन और चाहते हो कि भारतीय टीम इस मुकाबले में इंग्लैंड को पटकनी देकर फाइनल में अपनी जगह बनाए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। आपके मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम का कौन सा बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 में जीत के साथ टीम इंडिया ने आगाज किया था और सुपर राउंड मुकाबलों का अंत भी टीम इंडिया ने जीत के साथ ही किया था। आपको बता दें कि अब टीम इंडिया ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होना है। इंग्लैंड इस सीजन में उस तरह का प्रदर्शन करने में नाकाम रही है जिसके लिए वो जानी जाती है। आपको बता दें कि इंग्लैंड की ओर से जॉर्ज बटलर और बेन स्टोक्स के अलावा कोई भी खिलाड़ी अभी तक इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहा है। इसका फायदा टीम इंडिया को सीधे सीधे सेमीफाइनल में मिल सकता है। टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी अपनी लय में नजर आ रहे हैं, इसीलिए टीम इंडिया को इस बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय टीम को इंग्लैंड के साथ गुरुवार 10 नवंबर को सेमीफाइनल में भिड़ना है। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के तीन खिलाड़ी प्लेइंग 11 से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर पहले खिलाड़ी की तो रविचंद्रन अश्विन का नाम सामने आया है। रविचंद्रन अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से बाहर हो सकते हैं, उनकी जगह युजवेंद्र चहल को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो दिनेश कार्तिक का नाम भी सामने आया है। दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत हमें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। बात करें तीसरे और आखिरी खिलाड़ी की तो पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि इंग्लैंड के खिलाफ दीपक हुड्डा को भी भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दीपक हुड्डा टीम के प्लेइंग 11 से बाहर होंगे और उनकी जगह हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एंट्री होगी। आपको बता दें कि इसका मतलब साफ है कि हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और ऋषभ पंत भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि दीपक हुड्डा, रविचंद्रन अश्विन और दिनेश कार्तिक की इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से छुट्टी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।